गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग मैंने लेट ही स्टार्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आज पूरे दिन भर मैंने काम वगैरह किया, फिर उसके बाद में ऐसी नींद आई कि अब जाके मैं उठी हूँ तो शाम के 4 बज चुके हैं। अभी तक मैं नहीं नहाई, बच्चों को मैंने नहला दिया था पहले ही। ऋषभ के पापा नहा के कोई काम गए हैं, वो सुबह चले गए थे, अभी तक नहीं आए। उनको कॉल करके पूछूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे कि आज शॉपिंग करने के लिए जाना है उनको भी, और कुछ चीज़ें मुझे भी लेके आनी है। तो बस अभी कॉल करके पूछूंगी कि आप कब तक आ रहे हो, और फटाफट से मैं नहा लेती हूँ सबसे पहले, और थोड़ा बहुत काम भी पड़ा है किचन का, वो फिनिश कर लेती हूँ। किशा मेरी सो गई, ऋषभ हमारा टीवी देख रहा है, और ऋषभ को आज ऋषभ की मैम लेके जाएगी। कहाँ पे खुश हो रहा ऋषभ? ऋषभ खुश हो रहा है, खुश। कहाँ पे लेके जाएगी आपकी मैम? कुछ खिलाने पिलाने। तो ऋषभ की ट्यूशन वाली मैम है ना, ऋषभ को घुमाने फिराने लेके जाएगी। तो ऋषभ हमारा रेडी है। हाय राम, किचन की हालत पड़ी है खराब, बच्चों का टिफिन भी साफ करना है। ऋषभ के पापा खाना खा के गए थे, वो थाली वगैरह जैसे वो सेट करके गए थे वैसे ही पड़ी है, क्योंकि मैं क्या उसके बाद में सो गई थी काम करके। अब मैं सबसे पहले पीऊंगी छाछ। चलो किचन का काम फिनिश कर देते हैं। सबसे पहले मैं सब्जी निकाल लेती हूँ, इसमें शायद ही आ पाएगी ये सब्जी, आ जाएगी क्या पूरी, देखते हैं। किचन की पट्टी वगैरह साफ करूंगी, और फिर उसके बाद मैं बर्तन साफ करूंगी। उससे पहले मैं पीऊंगी छाछ, क्योंकि एनर्जी नहीं है यार उठने के बाद में। छाछ पी के किचन का काम करके फिर सीधा नहाने जाऊंगी, फिर ऋषभ के पापा को कॉल करूंगी, और अपन सब चलेंगे घूमी घूमी। काफी दिन हो गए ऋषभ के पापा के साथ कहीं गए ही नहीं, तो आज फाइनली मैं जाऊँ। और ऋषभ के पापा को मैंने कॉल करके बोल दिया है कि आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। वो बोल रहे हैं कि बस 15-20 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाला हूं। वैसे उनके 15-20 मिनट एक घंटे के बराबर ही होते हैं, क्योंकि वो उल्लू बहुत बनाते हैं, जैसे वो होते हैं वैशाली और बताते हैं यहाँ पे ही हूँ मैं खिंडी फाटक। तो इस चक्कर में उनके 15-20 मिनट तो मुझे पता है, वो लेट ही होंगे। और आज मैंने वेयर किया है राजपूती ड्रेस, जो कि हमारे ऋषभ के पापा को बहुत पसंद होता है। और काफ़ी दिन हो गए यार कहीं गए ही नहीं बाहर, कुछ खाया पिया ही नहीं बाहर का। तो आज मैं फाइनली खाने वाली हूँ, क्या खाने वाली हूँ, रोल खाने वाली हूँ या फिर सोया चाप खाने वाली हूँ, कुछ भी खा लूँगी, मतलब बाहर का ही खाऊँगी आज। आज मुझे बहुत दिन हो चुका है। और मेरे पास जस्ट अभी मैं ना व्लॉग देख रही थी, एक बाईसा का कमेंट आया था कि बाईसा आपके चिराना वाले व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। तो यार क्या ही दिखाऊँ मैं यहाँ पे, ये घर में ही रहती हूँ, तो वही बच्चे दिखा पाऊँगी आपको, वही ऋषभ के पापा दिखा पाऊँगी, और थोड़ी देर मैं बाप सबसे बातें कर लूँगी, इसके अलावा तो क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि मेरे सासू माँ भी नहीं है। ओ माई गॉड, हमारे किच्छों को नाराज कर दियो ऋषभ, अभी डांटूंगी ऋषभ को मारूंगी मैं। अरे वाह किच्छो कितना प्यारा लग रहा है हेयरबैंड लगा के। किसने मारा सबको बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, आपको किसने मारा? ऋषभ ने मारा क्या? अभी मारूंगी मैं, चलो अभी मैं अंदर जाऊंगी ना तब मारूंगी। ऋषभ नो, देख लेना मैं मैम के साथ नहीं भेजूंगी, पहले बता रही हूँ। क्या किया था बताओ? हाँ? क्या किया था इसके साथ? बोला था टीवी बंद मत करना, उसने जानबूझ के। तो कर देती है ये टीवी बंद, छोटी बच्ची है ना ये, तो आप फिर से चला लो, इसमें डांटने की क्या बात है, वो भी बंद कर देगी। तो चिराना वाले व्लॉग्स है ना आप सबको बहुत अच्छे लगे, और आप सब उनको मिस भी कर रहे हो। बट मैं चिराना तो है ना काफ़ी दिन तक नहीं रह सकती थी ना, क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी थे, जैसे कि ऋषभ को तो मैं लेके भी नहीं गई। ऋषभ को अब की बार लेके जाऊंगी जब भी छुट्टियां पड़ जाएंगी। ऋषभ के एग्जाम था आज, हमारे ऋषभ का लास्ट एग्जाम था। तो आज किसका था? कंप्यूटर का था ना। क्या उल्लू बनाया बताओ? और नहीं नहीं अभी ऋषभ ने ना अपनी मैम को कॉल करवाया था, और मैम ने क्या बोला ऋषभ बताएगा? ऋषभ क्या बोला? पढ़ाई के लिए तो फोन नहीं करते, अब बाहर घूमने जा रहे, अब क्यों कर रहे? अच्छा 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 अच्छा, किशा बैठेगी यहाँ पे, चलो आ जा आ जा आ जा। हमारे किशा भाई बहुत मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए नाराज हो जाती है। जब से ये स्काई रात चल रहा है ऋषभ गिर जाएगा इधर,
तेरी माँ अगर ये व्लॉग तो देख लिया ना तेरी माँ ने, तो मेरी हड्डी पसली ये कर देगी, ध्यान रखना। तो अब ऋषभ तो जाएगा ऋषभ की मैम के साथ और पार्थवी के साथ, और ऋषभ को मैम ने ऐसे बोला था कि है ना तू पढ़ाई के लिए तो तू कॉल नहीं करवाता, घूमने के लिए तो बड़ा ही कॉल करवा रहा है ना। और मैं किशु और ऋषभ के पापा जाएंगे कुछ खाने पीने, तो ऋषभ आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आपको अगर हमारे साथ जाना है तो आप हमारे साथ भी जा सकते हो, पार्थिव के साथ जाना है तो पार्थिव के साथ भी जा सकते हो, बताओ। मुझे नहीं जाना है। अच्छा 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 चलो चलो आ जाओ मेरे चांद ने लूंगी। यार कितनी बदमाश है ये लड़की, बहुत ज्यादा बदमाश हो गई है पता है ऋषभ। जब से आई है ऋषभ ऐसे बोला, इसी का ही राज चल रहा है। तेरे को कैसे नहीं प्यार करते, सब भी तो करते हैं तेरे को प्यार। ये इसको ज्यादा करते नहीं, ऐसा है ऋषभ ये छोटी है ना, इसको समझ में नहीं आता कोई भी बात। बट इसको क्या समझ में नहीं आता ना, इसको बातें समझ में नहीं आती कि मैं आप जैसे इसको डांटूंगी ना, ये जितना रो रही है ना उसके एक्स्ट्रा रोएगी, तो इसको कुछ समझ में नहीं आता। आप तो बड़े हो, आप समझदार हो, इसलिए आपको ना थोड़ा सा हम डांट देते हैं, ठीक है समझ गए। और है ना पता है ये 5 ईयर की हो जाएगी ना, फिर उसके बाद में इसको डांटना ही नहीं, इसको मारना भी पड़ेगा, ठीक है। फिर शांति मिलेगी है किच्चा, किच्चा सही है ना। चलो किशा की भी ड्रेस चेंज करवाती हूँ मैं, बहुत ही गंदी लग रही है ये, ऋषभ की ड्रेस पहनी है इसने, ऋषभ जब छोटे थे ना अब ये वो वाली ड्रेस है ये। सही मैंने बोला ना कि किशा की ड्रेस अच्छी नहीं है, किशा तो अपनी ड्रेस निकालने में लगी है। क्या हुआ किच्चा, कौन सी ड्रेस पहननी है? लो मैं पहन देती हूँ। टोकरी में रखती है किशा अपनी पूरी ड्रेस, क्योंकि नहीं नहीं मैं बता देती हूँ आपको, आप ये वाली पहनेंगे, पर्स भी लगाएंगे, पर्स भी। किशु क्यों रो रही है? उसको भी जानना होगा, किसी में पढ़ाई करने जा रहा हूँ, किसी में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। वो तांग मारना होता है, कहाँ से सिखाई? दादू ने सिखाया गांव में लेके। दादू ने सिखाया? वाह दादू को जोरदार चीज सिखाई। जब मैं 3 का था ना, देखो दादू आंख ऐसे मारते थे ना, मैं ऐसे मारने की जगह मुझे उस वक्त आता नहीं था, मैं तो ऐसे दोनों कर देता था। और अब दादू ने ऐसे सिखा दिया तुझे? लेस बांध दो। लेस वहां पे कौन बांधेगा? तो वहां पर अंदर रखूंगा सूज के। बाय। मैम पढ़ाने के लिए लेके गई है ऋषभ को, बोलो मैम को पढ़ा देना। मैम बोल तो मुझे बाद में पढ़ाना, पहले ऋषभ को पढ़ा दो। तो मुझे आ रहा है गुस्सा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ऋषभ के पापा अभी तक नहीं आए, शाम के 6:30 बज चुके हैं, आप तो क्या ही आएंगे, उल्लू बना दिया उन्होंने मुझे। मैं मानसरोवर हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, ऐसे करके कि मैं नहीं आ सकता, सॉरी। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने सोचा था उनको सरप्राइज दूंगी राजपूती ड्रेस पहन के, क्योंकि उनको क्या राजपूती ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है मेरे ऊपर, और मैं बाहर जाती हूँ तो भी मैं राजपूती ड्रेस वेयर करती हूँ ना तो वो खुश हो जाते हैं। तो अब है ना मैं क्या ही करूँ यार, खाना नहीं डालूंगी आज का। किशा पापा आए नहीं, किशा है कि चूला आए नहीं पापा, मैं मारूंगी थप्पड़ पापा को। अभी आए नहीं आ रहे पापा, तभी तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, कहीं ना कहीं तो मुझे जाना है, अब कहीं पे भी जाऊंगी चाहे देखो, प्रियंका के घर पे जाऊंगी या तो, या फिर सपना के पास चली जाऊंगी, या फिर सुरभि के पास चली जाऊंगी, देखते हैं कहाँ जाना होगा, तीनों में से कहीं ना कहीं तो जाऊंगी मैं। अभी फिलहाल मैंने ऑर्डर किया है जोमेटो से बर्गर, वो इंजॉय करके। ये मतलब गुस्सा आता है ना मुझे, मतलब मुझे जब भी गुस्सा आता है ना मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है, मुझे वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि दोपहर में मैं कुछ नहीं खाऊंगी आज, तो कहीं बाहर जाके ही खाएंगे, बट कहीं जाना नहीं हुआ तो यहीं पे मैंने मंगवा लिया। और सपना के लिए मैंने कल मंगवाई थी आइसक्रीम, वो भी पड़ी है, वो भी खाऊंगी मैं, पर ये तो बर्गर खाने के बाद में खाऊंगी, अभी तो क्या ही खाऊं। जा रही थी मैं तो, इसमें देखना है ही नहीं, देखो इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, आइसक्रीम है ही नहीं बिल्कुल भी, ये है इसमें तो, ये वाले स्वीट्स किशा ने देखो
क्या होमवर्क किया है, ये वाला होमवर्क करती है ये। गलत नहीं, ये सही है, सही है, सही है। आप तो अपना काम, सेवन बनाओ, सेवन ऐसे और रुको मैं बता, यहाँ से नहीं, यहाँ से रुको, यहाँ से इस डॉट के पास, ठीक है बना दोगी अब स्लीपिंग लाइन। नहीं नहीं यहाँ से, हाँ यहाँ से इससे नीचे लेके जाओ। यस वेरी गुड यशविनी, वेरी गुड। सेवन बनाना है, सेवन बनाना है ये, और बनाओ सेवन। क्या पेंसिल, क्या हुआ, टूट गई पेंसिल, टूट गया। चल तो शॉप करते हैं, शॉपनर का है, शॉपनर का है। क्या हुआ यशविनी, जयपुर में गांव बन गया हो तो लाइट क्या निकल चली गई आज, हम कहते स्कूल लाइट चली गई है। मुझे डर लग रहा है यशविनी, यशविनी हमारे यहाँ पे लाइट चली गई यशविनी, अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। पापा आया है, पापा ही तो नहीं आ रहे, पापा पे तो गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है। आज पापा को आने दे, मैं मारूंगी पापा को, ठीक है, मार सकती हूँ मैं, कहीं पे भी नहीं जाना हुआ पापा की वजह से तेरे। नहीं ना, कहीं तो जाना ही होता है यार, रात हो गई, अब तो कहीं नहीं जाएंगे, अब घर पे ही रहेंगे। बस मेरा ऑर्डर आ जाए, मैं और किशा ऑर्डर खाएंगी, बर्गर मंगवाया है मैंने। यशविनी को खाना है बर्गर, यशविनी खाना है आपको बर्गर, आपके भाई साहब तो बर्गर खाने गए हैं। वाव यशविनी, लाइट आएगी ना तब होमवर्क कर लेंगे अपन, ठीक है किशा, लाइट आ जाएगी ना तब होमवर्क कर लेंगे, यार गर्मी लग गई, छत पे चलें क्या अपन, चलो छत पे चलते हैं यशविनी। हाँ। चलो मैं इसको ये बनाना है, ये इसको, कोई बात को नहीं, इतनी टेंशन मत रखिया कर, तेरी माई कौन रखी पढ़ाएगी टेंशन, छोड़ दे ये, ये। चलो मुझे को यहाँ पे आया, यहाँ पे ऋषभ के पापा तो नहीं लेके जाएंगे, बट कोई नहीं, मेरे पास ऑप्शन खत्म नहीं हुए थे। मैंने मंगवाया है बर्गर, लग रहा है कुछ नहीं लगेगा, किसको बंद करूं, किसको हाई कर रहे हो, देखो बच्चे लाइट चली गई, लाइट छत पे आ जाओ, किशु आपकी फ्रेंड आई है, फ्रेंड पांचवी, क्या क्या मजे किए ऋषभ आज, बहुत बहुत, क्या क्या मजे किए था, क्या क्या छुपा रहा है, चलो ऋषभ को करो आंखें बंद, करो आंखें खोल, इसको क्या आंखें, पार्थी क्या क्या मजे किए आप दोनों ने, खाना खा के बहुत अच्छा लगा, इसको खोलना है, इसे पकड़ना, खोलो, हेलो हेलो, हमारी पार्थी आ गई चेप चाप के, लो रे किशा, लो मेरी किशा, लो क्या क्या चेपा, क्या क्या खाया बच्चों, बर्गर, बर्गर बहुत मजा आई, प्राइस लो मैम, हमारे लड्डू की है, सुरभि का मेरे पास कॉल आ गया, मैम भी चले गए और पार्थवी भी चली गई, सुरभि ने बोला है कि आजा सोया चाप खाएंगे, तो मैं किशा जा रहे हैं सुरभि के पास, और हमारी किशा पहन रही है स्लीपर, हम जा रहे हैं स्कूटी से। ओके गाइस, मिलवाती हूँ आपको सुरभि से, सुरभि काफी दिन हो गए मेरे व्लॉग में ज्यादा नहीं आती, वो बहुत कम आती है क्योंकि हम दोनों का मिलना ही नहीं हो रहा इन दिनों। किशा सोया चाप खाने चल रहे अपन, बोल दो सबको, बोलो हम सोया चाप खाने जा रहे हैं, हम सोया चाप खाने का है। ओके मिलते हैं शॉप पे, अभी चलेंगे घर, अभी चलेंगे घर। यार गला बहुत खराब हो रहा है यार, ये गले का क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा, बस अब कल है ना फाइनली मैं डॉक्टर को दिखा के लेके आऊंगी, अभी चलेंगे हाउस, नोजी आ रही मेरे चांद की, नोजी नोजी तुझे छोड़ के कहां जा रही थी, तेरे को तो मैंने सोचा कि तू तो फुल पेट होके आया है ना, तो तेरे को क्या ही लेके जाए, है ना, कुछ खाना नहीं है, खाऊंगी, क्या खाएगा, देखूंगा, देखेगा हमारा ऋषभ, तो चलो चले, लड्डू खाएंगे, लड्डू, हाँ लड्डू खाएंगे, लड्डू खाएंगे हम पक्का, वो सर्दी
किया ना, मैं तो यार आजकल ठंड बढ़ने लगी ना ऋषभ, मैं तो उनके पास आग सेक रहा था। ठंडी ठंडी होने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है 10-15 दिन के अंदर अंदर सर्दी आने वाली है ऋषभ। हमारी सुर भी आ गई तो हम लोग सोया चाप के दोनों जने भूखे, कितने दिन बाद में खा रही हूँ पता है ना सोया चाप। अच्छा तुम्हें कम हो गया? नहीं, मैं बहुत दिन बाद में खा रही हूँ। आज तो मेरा ऐसा था कि यार कोई कहीं ना कहीं लेके जाए मुझे, बट ऋषभ के पापा ने फोन करके बोला मैं मानसरोवर बैठा हूँ झूठे। हाँ तो अभी हमने करवाया है मसाला चाप। और किशु को मिल गया यहाँ पे मिट्टी और पत्थर मिल गए किशु को। किशु के बाल देखो कंगारू लग रही है ये। भूतनी बन गई अश्विनी, तू तो क्या बना रही हो? हाँ क्या बना रही हो? माउस ऋषभ नो। हमारा सोया चाप आ गया और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, जो कि ऋषभ अभी टेस्ट करके बताएगा कि कैसा है। लग रहा है देखते मिर्ची। तेज है मिर्ची, इतनी भी कोई तेज नहीं है भैया। एक्स्ट्रा दो ना चटनी। हमारे को वैसे चटनी एक्स्ट्रा चाहिए होती है ना, तीनों की अलग अलग कटोरी दे दो। ये हमारे भैया जो कि ऐसे बोल रहे हैं कि इतने दिन बाद कैसे आप कहीं गांव वगैरह गए थे क्या, हम चिराना जाके आए, ऐसी बात थी। अरे यार क्या, मैं बताती रुक, तू ये ऐसे क्या कर रहा है? चल तू रहने दे, तेरे को दूसरी कटोरी देते भैया, एक को ला दो भैया अलग अलग ही कर दो। ले ऋषभ, ऋषभ तू है ना वाइट ड्रेस है ना खराब कर लेगा, छोड़ दे एक बार, गरम गरम है छोड़ दे एक बार, ठंडा होगा ना तब मैं खिला दूंगी। वाइट ड्रेस खराब तो मुंह खतरनाक वाला जल गया मेरा। तो सुरभि ने मंगवाई है आइसक्रीम, वैसे चॉकलेट वाली आइसक्रीम मुझे कौन चाहिए थी बट उनके पास थी नहीं। तुझे नहीं पिघाना, आइसक्रीम खाती नहीं हूँ। क्यों? तो तेरे लिए वो मंगवा लेती कोल्ड ड्रिंक तेरी फेवरेट। मैं पीती पीती थाई पागल, सोचती हूँ कम करूँ। अच्छा तो मेरे को मीठा खिला रही आज तू है, तो ऐसे सोची मैं मोटी हो जाऊँ फूल फूल के फट जाऊँ। वही बता देती हूँ, इतनी जवान लड़की बन चुकी है ये 17-18 साल की। थैंक यू सो मच। हमारे भैया ऐसे बोल रहे हैं कि है ना चैनल को आप है ना सब्सक्राइब करो, मेरे फोन में भी मैं RITY ये तो योर विजन सूर्या। तो ये मेरा चैनल है, आप सबको भी मैं समझा देती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कैसे करते हैं, तो ऐसे करके सब्सक्राइब करना है। आइसक्रीम अभी और मिलाती हूँ और मंगवाती हूँ, और साथ ही साथ एक बार और इसको प्रेस करना है जिससे क्या ये बेल आइकन भी प्रेस हो जाएगी। मेरे भी तदे लोगों को ये देखो, ये मेरी फ्रेंड का चैनल है सब्सक्राइब करो, ये करके ऑल। और हमारे सुरभि का है ये वाला चैनल सुरभि राठौड़। अरे यार ये दूसरी सुरभि आ गई, बाईसा सुरभि राठौड़ है, तभी तो मैं बाईसा सुरभि राठौड़ कर रखा है। बाईसा सुरभि राठौड़ सुरभि का चैनल है जो कि आप सामने देख भी सकते हो, मोटी सारी सुरभि पड़ी है। इसने बेल आइकन नहीं प्रेस किया, आपको भी मैं समझा देती हूँ बताऊँ, जैसे मैं ये सुरभि का चैनल बेल आइकन कर रही हूँ ना ऐसे करके, और ये ऑल पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये ना जो वीडियो की नोटिफिकेशन है ना सबसे पहले पहुंचेगी। जा रही है अभी तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा अब, इसकी कैब आने, हाँ कैब आने में एक मिनट और बाकी है। और यहाँ पे देखो जुगाड़ चल रहा है, जुगाड़ू आदमी यही है हमारा। ये आइडिया इन्होंने दिया है, इस चेयर पे कोई बैठने लायक मत छोड़ना इसको है ना। वो देख रहे हो, अरे बाप रे मेरे दोनों बच्चे। ठीक है सुरभि भाई, ओए चलो आ जाओ, तो मिलते हैं आपको सीधा घर पे। गुड मॉर्निंग। तो रात को आते ही ऐसी नींद आई दोनों बच्चों को, वैसे मैंने ऐसे सोचा था कि लाइट बंद करके दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, तो बच्चों को सुलाने के चक्कर के अंदर मैं खुद ऐसा सोई ना मुझे खुद को ही पता ही नहीं, अब जाके उठी हूँ। तो सुबह के वैसे मैं 7:30 बजे उठ गई थी, बट व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी तो व्लॉग की एंडिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एंडिंग तो कर देती हूँ। तो रात को ऐसी नींद आई, ऋषभ के पापा पता नहीं कब आए कब नहीं आए, कब आके सो गए, क्योंकि उनके पास सेकंड चाबी थी तो उसको खोल के फिर आके सो गए। अब सुबह जाके मुझे पता चला कि ऋषभ के पापा थोड़ा लेट आए थे, खाना उनका पता ही नहीं खाया नहीं खाया, वो किचन में जाके ही पता चलेगा। जैसे ही मैं उठी, उठते ही मैंने सबसे पहले व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैं रात को ही एडिटिंग करके सोती हूँ, कभी भी सुबह नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता सुबह लाइट चली जाए तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो अभी फटाफट से मैंने एडिटिंग कर ली, बस लास्ट की क्लिप ये जो मैं बना रही हूँ ये उसको ये ऐड करनी बाकी है, क्योंकि मैं कल रात को मैंने
एंडिंग करी नहीं व्लॉग की। तो चलो, आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मैंने एडिटिंग करते टाइम देखा था, बट फिर भी आप इस व्लॉग को मेरे लिए लाइक कर देना। आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। क्या करूँ यार, एक घर के अंदर दोनों बच्चों के साथ क्या ही व्लॉग लेके आऊँ मैं, जो समझ में ही नहीं आता। ऋषभ के पापा कहीं बाहर लेके नहीं जाते, कहीं मेरा बाहर जाना नहीं होता, तो बस ऐसे ही व्लॉग मिल गया आपको। इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी। ठीक है, बाय, गुड नाइट।